एक लास्ट बात मिल रहा है टॉटोमेरिज्म के, ठीक है, टॉटोमेरिज्म के कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केसेस टॉटोमेरिज्म, क्योंकि मैंने बताया कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा पर तभी कोई टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहला केस है बेंजोक्विनोन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे देख रहे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा देखो कीटोनिक फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन का अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक दो तीन चार, तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमें लगता है कि टॉटोमेरिज्म शो होना चाहिए, पर इसमें टॉटोमेरिज्म शो नहीं होता है, ठीक है। अब सवाल है क्यों, तो इसका आंसर है, आंसर बताने से पहले पहले इसका फॉर्म बना देगा, इनोरिक फॉर्म। तो फॉर्म कैसा होगा, सपोज मैं यहाँ हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से लेके डबल बॉन्ड, हाँ ये हमने बता दिया आपको, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ एच आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। जरा इसकी चीजें चेक करो क्या है, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि जरा देखो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आ गया, तो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कहीं पर भी अगर आ जाते हैं इज अनस्टेबल, पॉसिबल ही नहीं बनता, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि इससे स्ट्रेन जनरेट हो जाता है, स्ट्रेन जनरेट, कार्बन में क्या होता है, बेयर्स ने किया था, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी में हम जानते हैं कि एंगुलर स्ट्रेन जनरेट हो जाता है, ठीक है। एंगुलर स्ट्रेन का मतलब क्या है, तो जरा देखो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन है एक दो, दो सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब क्या हो गया, एसपी सिग्मा बॉन्ड प्लस बॉन्ड पे बता रहा है, एसपी हाइब्रिडेशन है, एसपी हाइब्रिडेशन मतलब बॉन्डिंग की कितना है 180 डिग्री, पर एक्चुअल में कार्बन का कितना होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होता है मतलब 109 डिग्री होना चाहिए और 180, तो 109 में 180 में मिल रहा है तो डेफिनेटली अनस्टेबल तो होगा ही होगा, इतना तो पॉसिबल ही, जैसे तुम लोग एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग की गर्दन ऐसे चलते हैं, वैसे चलते हो, सीधे सीधे चलते हो ना, अगर मैं बोलूँ नहीं ऐसे चलो क्या ऐसे चलो तो दिक्कत आ जाएगी, है ना भाई, सर हमारा सीधा रंग नहीं है उसको टेढ़ा करने के लिए चलो, तो वही कि बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109, इसने यहाँ बना दिया 180, तो एंगुलर स्ट्रेन जनरेट हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए पॉसिबल नहीं बना। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा रीजन इसका यह कि कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो गई है, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब, ठीक है। कॉन्जुगेशन जरा देखो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल चल जा रही है बढ़िया कॉन्जुगेशन, पीछे बता भी रही थी कॉन्जुगेशन में कितने टाइप की होती कैसे कैसे होती, यहाँ देखो डबल सिंगल डबल डबल है तो कॉन्जुगेशन नहीं होती ना कोई, तो कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो गई, तो इसी वजह से इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनता ही नहीं, ऐसा टॉटोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट केस। दूसरा केस ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका जरा देखो इनोल बन सकता है क्या, तो चेक करते हैं कि पहले जरा देखो कीटो फॉर्म है तो अल्फा कार्बन से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ भी अल्फा है तो यहाँ पर एक दो तीन है तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक दो है तो दो हाइड्रोजन होंगे, तो पहली बार हमने चेक कर दी कि अल्फा कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ से भी बन सकते हैं, यहाँ से भी बन सकते हैं, तो क्या होगा जरा, तो पहले यहाँ से अगर बनाते हैं तो एच ये जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा ओ एच डबल बॉन्ड यहाँ, और अगर यहाँ से बनाते हैं तो एच ये जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा ये और यहाँ से डबल बॉन्ड है, तो पहला केस तो नहीं पॉसिबल ही नहीं, क्यों अभी पीछे बता दिया कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड एंगुलर स्ट्रिंग है ना, ये तो हटा दिया। दूसरे केस को पकड़ते हैं, दूसरा केस हमें लग रहा है कि पॉसिबल है, बिल्कुल लग रहा है कि भाई यहाँ से गया सर ये बन गई बहुत बढ़िया लग रहा है, पर यहाँ पर क्या एक स्पेशल कंपाउंड बन गया, इसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, वेरी अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा क्या अनस्टेबल है, समझ लो, जिसकी वजह से ये कंपाउंड बनना बहुत मुश्किल क्या नाम की एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैंने आपको बताया था, चलो पहले एंटी एरोमेटिक को समझने से पहले एरोमेटिक समझो, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना कंडीशंस क्या होगी, एरोमेटिक कंपाउंड की साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है एसपी2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तीसरी क्या है कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन क्या होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज डबल सिंगल लोन पे, इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं चाहिए, चौथी और इंपॉर्टेंट कंडीशन अपर स्पिन को फॉलो करना चाहिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्यों होता है एरोमेटिक कंपाउंड, इसके लिए ट्रिक भी थी, ट्रिक क्या थी कि अगर ये याद है तो ठीक है नहीं आप डायरेक्ट चल चेक करोगे, मोस्टली ये तीन तो फॉलो होते ही होते हैं, ट्रिक क्या थी 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक ही बना दो कॉमन डिफरेंस चार्ज की 2 पाई 6 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन किसी में दिख रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या थी दूसरी बात 4 पाई
4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इतने किसी में दिख रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। एग्जांपल देखो जरा बेंजीन, बेंजीन ही होगी ना, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जरा देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब एरोमेटिक, समझ रहे हो। यहां पर जरा देखो कितने पाई, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहां नहीं आ रहा, या तो 2 6 10 4 कहां रहे हैं एरोमेटिक वाले में, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि इसका इनोल बट फॉर्म 0% इनोल फॉर्म बनेगा, मतलब कह सकते हो कि टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं क्योंकि वो फॉर्म कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, एक और केस की बात कर लेते हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, सपोज ये होगा आपके पास, इसमें क्या बनेगा, तो जरा आप लोग देखो आप लोगों को दिख रहा है कि कौन फॉर्म है अल्फा, इससे पहचान सकते हैं अल्फा कार्बन फाइव, यहां दो हाइड्रोजन होंगे यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, तो यहां भी पॉसिबल है, चलो दोनों पॉसिबिलिटी बना देता हूं, अगर इसको ए बोलता हूं इसको बी बोलता हूं, अगर ए वाला हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां दिया होगा और यह OH, बी वाला हाइड्रोजन जाएगा बी वाला तो डबल बॉन्ड यहां दिया होगा, एच गया ओके पास, अब सवाल होगा कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए वाला कि बी वाला, तो फिर से वही लगाओ स्ट्रेन, तो जरा देखो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 1 2 3 180 ये तो है 180, समझ नहीं समझ लो, यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है sp3, sp3 हाइब्रिडेशन है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, और यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, दूसरा तो पाई 3 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या होगी, यहां पर sp2 है तो हाइब्रिडेशन इसको तो नहीं करने, इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120, ये बात समझ आ गई। अब दूसरी चीज देखो, ये है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल बॉन्ड एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो मतलब ये 109 डिग्री होना चाहिए, पर यहां पर ये कितने में बना है 60 में बना है, और यहां पर भी इतना होना चाहिए और कितने में बना है 60 में बना, तो जरा देखो 109 से 60 में तो भी आ ही जाएगा, पर 120 से 60 में और डिफिकल्ट हो जाएगा, लास्ट पॉइंट 60 है 60 है, पर इनिशियल पॉइंट 109 से 60 मारा है, 120 से 60 मारा है, डेफिनेटली ये तो पॉसिबल नहीं होता है, एंगुलर स्ट्रेन ही ज्यादा है, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर 109 अपना 60 में है, समझ लो, तो इसीलिए ये वाला कंपाउंड थोड़ा ज्यादा मेजर होता है, ये वाला कंपाउंड लेस मेजर होता है, क्योंकि यहां पर फिर से आ गया आपका एंगुलर स्ट्रेन, ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसके कारण बहुत सारी चीजें बदल जाती है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्पेशल केसेस नहीं है उसको हम बोल सकते हैं डाई कार्बोनिल कंपाउंड, सपोज एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड का भी एग्जांपल दिया है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड, अभी तक हमने जो भी बात करी मोनो कार्बोनिल कंपाउंड की बात करी, हम देखते थे एकीस की डबल बॉन्ड होगा, सपोज आपके पास ये सी डबल बॉन्ड होगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड होगा सी एस टू, ठीक है, तो देखो इस पर डबल बॉन्ड हो गए सी डबल बॉन्ड दो बार, तो कंफ्यूज हो गया कि सर कौन सा होगा, यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, दोनों साइड से आएगा, तो पॉसिबिलिटी बनाते हैं, सबसे पहली पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन ये भी गया ये भी गया, तो क्या बना OH, ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, दो अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक एक को यहाँ भेजा, एक को यहाँ भेजा, तो यहाँ डबल बॉन्ड सी, इसको भी यहाँ भेजा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड सी OH, तो जरा पता बन सकता है नहीं, अभी पता है डबल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं। दूसरा बनाते हैं, अगर इसको यहाँ भेजते हैं एक को भेजते हैं तो क्या बनेगा, तो एच सी ओ एच, एक को भेजे यहाँ क्या बना डबल बॉन्ड सी, और इसको एक चीज रहने दी, ठीक है, इस बार में केवल इधर ही जाए, इस बार में केवल एक ही साइड कर रहा है, तो एक साइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जरा देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन आ गया, और कंजुगेशन जैसे आ गया मतलब स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी बढ़ गई, तो इसीलिए ये वाला कंपाउंड इसमें मिलता है, ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे उन सबके बारे में, ठीक, थैंक यू।